हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम की और हम लोग इसमें ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पहले डे वन के सारे डिस्कशन किए थे, फिर हम लोगों ने डे टू के सारे डिस्कशन किए थे और इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक इन टू द अनाउंसमेंट विच इज बींग मेड ऑन डे थ्री। हम लोग डे थ्री के अनाउंसमेंट को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे क्या चीज है। स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। तो ये है हमारी डे थ्री की अनाउंसमेंट्स जहां पर हमें पार्ट थ्री एग्रीकल्चर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो डेटा मैंने लिया हुआ है ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट सीरीज से ली गई है। गवर्नमेंट ने अपना एक डेटा पब्लिश किया हुआ है जिसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। स्टार्ट करें अगर आज का सेशन तो देखिए आत्मनिर्भर भारत में हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट की गई है। एक्चुअली जो डी थ्री में जितनी भी अनाउंसमेंट की गई उनका जो मेन थीम थी वो थी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। इन सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बेसिकली एक पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन देखें तो कैटेगराइजेशन हमारी तीन तरीके से निकल के आती है, तीन क्या इनफैक्ट चार तरीके से निकल के आती है। एक आती है जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें करेंगे, दूसरी आती है जहां पर एलाइड एक्टिविटीज जैसे फिशरी हो गई या फिर इस तरीके की जो भी एनिमल हस्बेंड्री वाली चीजें हो जाती हैं उनके बारे में बात किया गया है। थर्ड जो आ जाती है वो आ जाती है कोल्ड चेन्स के बारे में जहां पर हम लोग एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं। और चौथी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगी, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा या काम कर रहा है। कल के स्टेटमेंट के बारे में, कल के अनाउंसमेंट्स के बारे में कुछ पहले पहले यहां पर इंट्रोडक्शन के तौर पर दिया गया है जहां पर यह बताया गया है कि नाबार्ड 30,000 के अराउंड में एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल ये बनाएगा। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वी आर नॉट गोइंग टू लुक इट अगेन। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी हम लोगों ने बात कर रखी है जिसमें हम लोगों ने बोला था कि ये केवल और केवल एग्रीकल्चर नहीं बल्कि फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज किया जा सकेगा। अनाउंसमेंट के बारे में आज की अगर बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। यहां पर एग्रीकल्चर एडिशनल स्टेप ड्यूरिंग कोविड इस थीम पर एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट निकाला गया है। इसमें बोला यह गया है अ नंबर ऑफ मेजर्स सपोर्टिंग फार्मर वाज एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, एडिशनल मेजर्स टेकन ड्यूरिंग लास्ट टू मंथ्स आर गिवन बिलो। अगले दो महीने के लिए क्या कुछ करने वाली है गवर्नमेंट ये सारा का सारा बता के रखा गया है। सबसे पहली चीज जो की जाने वाली है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड मिनिमम सपोर्ट प्राइस परचेज ऑफ अमाउंट मोर देन 74,300 करोड़ इतना प्रोक्योर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान फंड के अंतर्गत जो ट्रांसफर की जाएगी, जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं वो टोटल ट्रांसफर जो किए जाएंगे 18,700 करोड़ रुपीज। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जितना भी क्लेम किया जा सकता है वो टोटल अमाउंट जो होगी वो 6,400 करोड़ रुपीज के नियर अबाउट में होने वाली है। एनिमल हस्बेंड्री के बाद फिर आ जाते हैं और एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के, जिसमें हम लोग बोवाइन ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। यहां पर अगर बात करें तो देखिए मिल्क की जो प्रोडक्शन है उसमें तो कोई कमी नहीं आई है लेकिन डिमांड में 20-25% की कमी आ गई है। अगर हम लोग बात करें एनिमल हस्बेंड्री की तो नियर अबाउट 560 लाख लीटर पर डे टोटल मिल्क प्रोक्योर किया जाता है कोऑपरेटिव्स के द्वारा, लेकिन इनकी जो सेल है वो केवल और केवल 360 लाख लीटर पर डे है, यानी कि यहां पर नियर अबाउट इनका 30-35% इनका लॉस हो जा रहा है। टोटल 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योर्ड इंश्योर्ड पेमेंट ऑफ 4100 करोड़। इसके लिए एक नई स्कीम निकाली जा रही है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगी, मतलब जो भी लोन लिया गया उसके लिए 2% इंटरेस्ट जो है वो माफ कर दिया जाएगा, वो 2% जो है सरकार दे रही होगी फॉर द ईयर 2021। एडिशनल 2% और दिया जाएगा सरकार के द्वारा अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट को देने में देरी नहीं करते हैं, अगर उसको ऑन टाइम दे दे रहे हैं, यानी अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं देन यू विल गेट एडिशनल सब्सिडी ऑफ 2%। दिस स्कीम विल अनलॉक 5,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी बेनिफिटिंग 2 करोड़ फार्मर्स। तो इस तरीके से काफी फायदा हो जाएगा फार्मर को।
अगली अगर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करें तो ये आ जाती है फिशरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली चार स्कीम बताई गई हैं। चारों स्कीम में देखिए यहाँ पर बेसिकली जो फोकस किया गया है वो फोकस किया गया है श्रिम्प ब्रूड स्टॉक को लेकर के, और दूसरी जो फोकस की गई है वो की गई है नॉपली को लेकर के। नॉपली एक तरीके का क्रस्टेशियन होता है, और श्रिम्प के बारे में तो आपको पता ही होगा, झींगा इसको हिंदी में बोला जाता है। इन दोनों के अगर फोटो मैं दिखाऊं तो देखिए एक फोटो आपकी हो जाती है ये जो आपकी ये नॉपली की हो जाती है, और दूसरी ये श्रिम्प की हो जा रही होती है। इन दोनों के बारे में अगर बात करें कि क्या कुछ अनाउंसमेंट की गई है, तो देखिए बेसिकली टोटल 4 अनाउंसमेंट की गई है। इसमें चीज क्या है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में ये जो मरीन फिशरीज होती हैं या फिर जो मरीन एनिमल्स होते हैं इनका ट्रेड किस तरीके से होता है। तो इनके ट्रेड को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं ये कोई बंदा है जो मरीन आइटम में ट्रेड कर रहा होता है, इसको मरीन आइटम में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले कुछ लाइसेंसेस लेने होते हैं, और वो लाइसेंस होता है सैनिटरी मेजर को लेकर के। ये सैनिटरी मेजर का लाइसेंस इसलिए इनको लेना जरूरी होता है क्योंकि जब भी फॉरेन से कोई भी गुड हमारी आती है या कोई भी लाइव स्टॉक आता है तो उनकी हाई चांस होती है कि उसमें कोई ना कोई एक अननोन डिसीज हो सकती है। इस अननोन डिसीज के कारण हमारे यहाँ पर कैंसर कॉजिंग जैसे कई सारी बीमारियां निकल के आ सकती हैं या फिर वायरल बीमारी भी फैल सकती हैं। तो इस कारण से एक सैनिटरी मेजर लेना काफी ज्यादा, एक सर्टिफिकेट लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब ये लाइसेंस ले लिया जाता है तो उसके बाद से यहां पर इनकी चेकिंग चलती है। चेकिंग का मतलब जितना भी पेपर वर्क हो रहा होता है, इस पूरे पेपर वर्क को खत्म करने में टोटल एंड टोटल 7 डेज का टाइम लग जाता है, और इस 7 डेज के बाद ही ये लोग इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि यार यहां पर अगर हम 7 दिनों तक इस तरीके से मछली को या झींगे को या फिर क्रस्टेशियन को अगर रखेंगे, सीधी सी बात है वो हमारा पूरा का पूरा मटेरियल, वो पूरा का पूरा लाइव स्टॉक हमारा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर क्वारंटीन हाउसेस बना के रखे जाते हैं, क्वारंटीन हाउस भी बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्वारंटीन क्यूबिकल्स। इसमें होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिशिंग मार्केट वगैरह में कि इनके पास थर्माकोल की एक बकेट होती है जिसमें ये लोग अपनी फिशरीज को पानी भर के रखे रहते हैं जिससे कि वो जिंदा रहती है। तो बेसिकली वही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, और इस तरीके से ये अपने पूरे के पूरे लाइव स्टॉक को यहाँ पर ये स्टोर करके रखते हैं। इस क्वारंटीन क्यूबिकल्स का इनको एक चार्ज देना पड़ता है, और ये चार्ज होती है जो यहाँ पर इतने दिनों का आपको रखना, इस लाइव स्टॉक को रखने की जितनी जरूरत है। इस पूरे सिस्टम को अगर आप समझ गए हैं तो देखिए हम लोग एक वेबसाइट भी देख लेते हैं कि हमारी कौन सी वो वेबसाइट है जो इस पूरे के पूरे लाइसेंस रिन्यूअल को करती है। अब आप समझ गए होंगे बेसिकली कि यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से चल रहा होता है। इस पूरे सिस्टम में काफी सारे फ्लॉज हैं, और इस पूरे सिस्टम में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि जो कोविड आया है, इस कोविड के कारण से ना तो हमारा ये इंपोर्ट रुका था, क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट तो ऑब्वियसली पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा, अब वो इंपोर्ट आ रहा होगा। अगर कोविड के दौरान में लॉकडाउन जो हमारा फटाफट कर दिया था उसके कारण से हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा लॉस में जा सकता है, इस वजह से गवर्नमेंट ने 4 स्कीम लेकर के आई। इन चारों स्कीम को अगर 1 by 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले देखिए वैलिडिटी ऑफ जो सैनिटरी इंपोर्ट परमिट जो मार्च में खत्म होने वाला था, जिनका भी वो 3 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे कि जो भी श्रिम्प ब्रूड स्टॉक को जितने लोगों ने भी इंपोर्ट किया है वो अब खराब नहीं हुआ है, वो बिल्कुल कर सकते हैं अगले 3 महीने तक के लिए और कर सकते हैं, उनका लाइसेंस रिन्यूड हो गया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो इंपोर्ट है, चूंकि हर एक वर्ल्ड में ये फैला हुआ है तो सीधी सी बात है बाहर से भी इंडिया में आने में टाइम लगेगा। मिनिस्ट्री ये कहती है कि अगर आपको आने में 1 महीने की भी अगर डिले अगर होती है, इन केस जो इंपोर्ट आ रहा है उसमें डिले हो रहा है, तो वो डिले नहीं माना जाएगा, उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, और उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है या फिर अलग से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पर देखिए काफी हद तक कन्वीनियंट लाने की कोशिश की गई है, चीजों को कन्वीनियंट बनाया गया है। इसके अलावा जितने भी लोगों ने क्वारंटीन क्यूबिकल्स में जो भी अपना लाइव स्टॉक वगैरह रखा है उसको वापस से रीबुक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो इमरजेंसी आई है वो बेसिकली इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन बनकर के आई है। इस वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है रीबुकिंग ऑफ क्वारंटीन क्यूबिकल्स फॉर कैंसल्ड कंसाइनमेंट विदाउट एनी एडिशनल चार्ज।
इसके अलावा गवर्नमेंट हैज डन दिस, जो 7 डे लगती है उसको रिड्यूस करके उसको 3 डे में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि जितना भी टाइम हमारा खराब हो रहा था, जो भी रिडंडेंसी के कारण से या लिथार्जिक होने के कारण से जो भी टाइम खराब हो रहा था उसको अब खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ग्रांट ऑफ एनओसी फॉर क्वारंटाइन रिलैक्स्ड फ्रॉम 7 डेज टू 3 डेज, इस तरीके से कर दिया गया है। तो आपको एक पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि आखिर में क्या चीज है और कैसे की जा रही है। इसके अलावा देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ 242 रजिस्टर्ड श्रिंप हैचरीज एंड न्योपली रियरिंग हैचरीज एक्सपायरिंग ऑन 31st मार्च एक्सटेंडेड फॉर 3 more months, तो 3 और महीने के लिए अगेन इनका भी लाइसेंस रिन्यूअल कर दिया गया है। ऑपरेशन ऑफ मरीन कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिलैक्स टू कवर इनलैंड फिशरीज, तो ये इनलैंड फिशरी को भी इसमें कवर कर दिया गया है, जिससे कि हमारा जो लाइव स्टॉक है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। इस पूरे के पूरे स्कीम को करने के पीछे रीजन यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अब एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि मार्केट में लाइव स्टॉक की काफी ज्यादा डिमांड है। आप ये कह सकते हैं कि पैक्ड फूड, पैक्ड नॉनवेज फूड की काफी ज्यादा डिमांड है, जिसमें फिशेज, श्रिम्प और नॉपली की काफी ज्यादा डिमांड हो रही होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कुछ स्कीम्स निकाल करके रखी हुई है, जो कि डेफिनेटली फायदा कर रहा होगा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड स्कीम। आगे हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, लेकिन वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है, उस चीज को बोला जाता है कोल्ड चेन। क्योंकि हमारे यहां पर आपको ये पता है कि हमारे यहां पर जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो काफी ज्यादा है। हमारे यहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस समय सबसे ज्यादा नेट जोन एरिया के अंतर्गत आता है, फिर भी हमारी जो क्रॉप है वो काफी कम हो जाती है। हम लोग मैक्सिमम क्रॉप में या तो सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, या फिर लिस्ट में ही नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन है, वो है वेस्टेज। हमें अपने इस वेस्टेज को कम करने की जरूरत है, और उस वेस्टेज को कम करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोल्ड चेन स्टोरेज। और इस स्टोरेज के लिए गवर्नमेंट ने कोल्ड चेन बनाने के लिए फोकस किया हुआ है। इस कोल्ड चेन को बनाने के लिए एक नया 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। इसमें कहा गया है कि लैक ऑफ एडिक्वेट कोल्ड चेन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विसिनिटी ऑफ फार्म गेट कॉजिंग गैप्स इन वैल्यू चेन। फोकस हैज बीन ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स वाइल इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ऑफन नॉट बीन एनफ। फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 1,00,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर फंडिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट। और ये एग्रीगेशन पॉइंट क्या क्या होंगे? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होंगे, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स होंगे एंड स्टार्टअप वगैरह हो जा रहे होंगे। तो अगेन यहां पर जब आप देखेंगे तो बेसिकली ये पूरे के पूरे कोल्ड चेन, या फिर कह लीजिए इनका जो बेसिकली फोकस है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, कि दोज हु वांट टू मेक सम बिजनेस इन द मरीन फार्मिंग या फिर कोल्ड चेन फार्मिंग या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दे कैन डू दिस एंड वी विल सपोर्ट यू बाय दिस 1,00,000 करोड़ रुपीज। दिस फंड विल बी क्रिएटेड इमीडिएटली, यहां पर कोई भी डिले नहीं किया जाएगा, इसको फटाफट किया जा रहा होगा। इसके अलावा देखिए, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के भी फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपीज की एक फंड जनरेट की गई है। इस स्कीम में कहा गया है कि देखिए, आपको वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा, और इसके लिए अनऑर्गेनाइज्ड जो फूड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, उनको जो भी टेक्निकल अपग्रेडेशन या जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होगी वो फटाफट एफएसएसआई दे रही होगी। अ स्कीम विल बी लॉन्च टू हेल्प 2 लाख एमएफईज माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस अटेन above goals. Existing micro food enterprises, FPOs, self-help groups and cooperatives to be supported. तो जितने भी लोगों के पास already experience पड़ा हुआ है, वो फटाफट उनको support कर दिया जाएगा। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बेल्जियम की चॉकलेट बहुत ज्यादा फेमस है, इटली की पिज्जा बहुत ज्यादा फेमस है, अगेन आइसक्रीम बहुत ज्यादा फेमस है हमारे बेल्जियम का। तो इस वजह से, इस तरीके से आखिर में हुआ क्या है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली लोकल एरिया से निकल करके ग्लोबल बन चुके हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट बचपन से ही अपने ग्लोबल नहीं होता, वो ग्लोबल बनाया जा रहा होता है। सेम इसी तरीके से हम लोग भी अपने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी हम लोग मार्केटिंग करके, जिनके लिए वोकल हो करके हम इसे ग्लोबल बना सकते हैं। जैसे मैंगो हो गया यूपी में, इस मैंगो की डिमांड फॉरेन में बहुत ज्यादा है,
जैसे अल्फोंजो आम वगैरह हो गया, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बस इसके लिए हमें वोकल बनना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे केसर हो गया, या बैम्बू शूट्स हो गया, या चिली हो गए, टोपेको होगा, ये सब कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें काफी अच्छा एक मार्केट दिला सकते हैं। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्पाइसेस और बाकी प्रोडक्ट को लेकर के अगर ब्रिटेन इंडिया को अपनी कॉलोनी बना सकता है, सेम वैसे ही क्या हम लोग ग्लोबल मार्केट में अपने आप को सुपर इम्पोज तो नहीं कर सकते हैं? तो काफी अच्छा होगा अगर हम वोकल फॉर लोकल हो जाते हैं, तो ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। इससे अगर हम एक्सपेक्टेड आउटकम देखें तो देखिए, इट विल इंप्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड इट विल इंटीग्रेट विद द रिटेल मार्केट एंड ऑब्वियसली इंप्रूव द इनकम ऑफ स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज। इट विल ऑल्सो हेल्प इन रीचिंग अनटैप्ड एक्सपोर्ट मार्केट इन व्यू ऑफ इंप्रूव्ड हेल्थ कॉन्शियसनेस। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे तरीके हैं जो फॉर्मलाइजेशन करने के बाद एक अच्छा खासा हमें मार्केट प्रोवाइड कर दे रहे होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ की एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निकाल के लेके आई है, जो बेसिकली मरीन प्रोडक्ट के लिए है। इसमें बोला गया है कि क्रिटिकल गैप जो भी फिशरी वैल्यू चेन में अवेलेबल है उसको अब पूरा किया जाएगा। गवर्नमेंट विल लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। इसके लिए 11,000 करोड़ फॉर एक्टिविटीज इन मरीन इनलैंड फिशरी एंड एक्वा कल्चर दिया जाएगा। 9,000 करोड़ दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। टोटल मिलाकर के बन जाएगा आपका कितना, 20,000। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप क्या क्या किया जाएगा, एक तो फिशिंग हार्बर डेवलप किए जाएंगे, कोल्ड चेन डेवलप किया जाएगा, मार्केट डेवलप किया जाएगा। मतलब आप इनपुट से लेकर के आउटपुट तक की सारी चीजों को मिला के आप बोल सकते हैं कि वो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें वो सारी की सारी बना दी जाएंगी। इसमें गवर्नमेंट और भी ज्यादा क्लैरिटी लेकर के आती है और कहती है, देखिए, केज्ड कल्चर, सी वीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशरी एज वेल एज न्यू फिशिंग वेसल्स, ट्रेसेबिलिटी, लैब नेटवर्क, ये सारे के सारे हम डेवलप कर रहे होंगे। प्रोविजन ऑफ बैन पीरियड सपोर्ट टू फिशरी फिशरमैन ड्यूरिंग दिस पीरियड फिशिंग इज नॉट परमिटेड, पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस, ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जा रहा होगा। इट विल लीड टू एडिशनल फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख टन ओवर 5 लाख। हम लोग 70 लाख अगर टन का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग एक्सपोर्ट करने लायक बन जाएंगे, जो मार्केट में काफी ज्यादा डिमांडिंग बना हुआ है। इसके अलावा 55 लाख नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जा रहा होगा, इससे हमारा 1 लाख करोड़ के नियर अबाउट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इट विल फोकस ऑन ऑब्वियसली वो सारे एरियाज में जहां जहां फिशरी पॉसिबल है, जैसे आइलैंड नेशंस हो गए, या फिर हमारे हिमालयन स्टेट हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, या फिर हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो जितने भी पिछड़े एरियाज हैं उन सारे एरिया में ये स्कीम लगा करके उनको डेवलप करने की बात कही जा रही है। आगे बात की जाती है कि देखिए, हमें एनिमल हस्बेंड्री को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस बिजनेस की मेंटेनेंस को करना। और उसकी मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि जो हमारी एनिमल्स हैं उनको डिसीज फ्री रखना, या फिर डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चला करके उनको उनकी डिसीजत खत्म कर देना। इन डिसीजेस में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट आती है और वो आती है FMD डिसीज, जिसको बोला जाता है फूड एंड माउथ डिसीज। ये एक वायरल डिसीज होती है जो अगर जानवर को फैल जाए तो लगातार लाइन से सारे जानवर को फैलना शुरू हो जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और टोटल इसकी कॉस्ट 13,343 करोड़ रुपीज इसकी रखी गई है। इसमें 100% वैक्सीनेशन कवर किया जाएगा, जो कैटल्स के लिए, बफेलो के लिए, शीप के लिए, गोट के लिए एंड पिग पॉपुलेशन सबके लिए ये किया जाएगा। आज की डेट में अगर बात करें तो 1.5 करोड़ काउज एंड बफेलोज को टैगिंग की जा चुकी है, वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसके आगे बात करता है एनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में कि 15,000 करोड़ की एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप की जाएगी। इसमें बेसिकली किया ये जाएगा कि जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उससे एक जगह पे एकत्रित करके अमूल टाइप की एक अगेन कोऑपरेटिव बनाई जा सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में बिजनेस किया जा सके। इन मेनी एरियाज इन द कंट्री विथ हाई मिल्क प्रोडक्शन हैविंग ग्रेट पोटेंशियल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी, इट्स एम इज टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ 15,000 करोड़ विल बी सेटअप।
इंसेंटिव्स टू बी गिवन फॉर एस्टैब्लिशिंग प्लांट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नीश प्रोडक्ट्स। तो जितने भी उस एरिया के लोकल प्रोडक्ट्स होंगे उनको डेवलप किया जाएगा, उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा देखिए हर्बल कल्टीवेशन को लेकर के भी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि अब हम इसे भी फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां, ऐसे बहुत सारे हर्बल प्लांट्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में जिनकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसके लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सपोर्ट करेगी 2.2 लाख हेक्टेयर एरिया के साथ में जो भी मेडिसिनल प्लांट है उनके कल्टीवेशन के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ का एक पैकेज दिया हुआ है जो कि इन 1 लाख या 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर ये कल्टीवेशन कर रहे होंगे फॉर 2 ईयर्स। इट विल लीड टू 5000 करोड़ इनकम जनरेशन फॉर फार्मर्स। इट विल नेटवर्क द रीजनल मंडीज फॉर मेडिसिनल प्लांट्स। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड विल ब्रिंग 800 हेक्टेयर एरिया बाय डेवलपिंग ए कॉरिडोर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा। तो गंगा के बैंक पे इस पूरे के पूरे मेडिसिनल प्लांट को यहां पर लगाया जाएगा और उससे जो भी जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, वो बेसिकली डिलीवर करने की कोशिश की जा रही होगी। इसके अलावा देखिए बी कीपिंग के लिए भी अलग से 500 करोड़ रुपए दिया गया है। बी कीपिंग का मतलब हो जाता है जहां से आप हनी निकाल रहे होते हैं, शहद निकाल रहे होते हैं। तो बी कीपिंग इज अ लाइवलीहुड सपोर्ट एक्टिविटी फॉर रूरल एरियाज, इंक्रीजेस यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप थ्रू पॉलिनेशन, प्रोवाइड हनी एंड अदर बीहीव प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स। इसमें गवर्नमेंट कर क्या रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन मार्केटिंग एंड स्टोरेज सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटी। जैसा कि हम लोगों ने अर्लियर स्कीम में भी देखा, चाहे वो मरीन हो चाहे एग्रीकल्चर हमारी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वुमेन को फोकस किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक एंड बी ब्रीडर्स। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम फॉर 2 लाख बी कीपर्स एंड क्वालिटी हनी टू कंज्यूमर्स। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई हुई थी, ऑपरेशन ग्रीन। इस ऑपरेशन ग्रीन में बेसिकली टॉप टीओपी मतलब टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, इनको फोकस किया गया था जिससे इनकी जो प्राइस है उसमें वोलेटिलिटी को कम से कम रखा जा सके और ये जो बेसिक नेसेसिटी है आलू प्याज टमाटर, इनमें कभी भी प्राइस के बहुत ज्यादा ही चेंजेस ना आने पाए। गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि देखिए हम लोग इसे 6 महीने तक के लिए पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे चलाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट पे चलाएंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये जो टॉप की प्रोडक्ट्स थी, टॉप मतलब आलू प्याज टमाटर जो था, उसको अब हम लोग हर सेक्टर में, हर वेजिटेबल और हर फ्रूट पर हम लोग अप्लाई करेंगे। मतलब अब जितने भी, चाहे वो सेब हो, चाहे अंगूर हो, चाहे केला हो, चाहे कोई भी अदर फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, उसकी प्राइजेस में अब किसी प्रकार से हम लोग चेंज लाने की कोशिश नहीं करेंगे, प्राइजेस अब नियर अबाउट स्टेबल रहेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए हमें इसका इम्पैक्ट नहीं पता है और इस वजह से हम इसके इम्पैक्ट को पहले 6 महीने तक रीड करेंगे और उसके बाद से इसके प्रोग्राम को अगर ये अच्छा चल गया तो हम लोग इसे एक्सटेंड कर देंगे और अगर ये अच्छा खासा नहीं चल पाया, अगर प्रॉब्लम होती है तो हम यहीं से इसे इलिमिनेट कर देंगे। सप्लाई चेन हैव बीन डिसरप्टेड एंड फार्मर आर नॉट बीइंग एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट, डिस्ट्रेस सेल एंड रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द फार्म लेवल नीड्स टू बी प्रिवेंटेड। ऑपरेशन ग्रीन जो कि टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो पे कवर करता था, ये पूरे के पूरे चीजों पे कवर कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा। इसके फीचर्स क्या है, 50% सब्सिडी दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन पे अगर आप सरप्लस मार्केट से डिफिशियंट मार्केट में चीजों को लेकर के जा रहे हैं तो, जिससे कि जो भी मार्केट की प्राइस है वो स्टेबल रहे। इसके अलावा 50% सब्सिडी दी जाएगी स्टोरेज पे अगर आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं तो। इससे फायदा क्या होगा कि बेटर प्राइस रियलाइजेशन टू फार्मर्स, इससे वेस्टेज जो होगी वो रिड्यूस होगी, क्योंकि जिस इलाके में प्राइस गिर जाती है वहां पर आपने देखा होगा कि रोड पर ही टमाटर फेंक दिए जा रहे होते हैं या इस तरीके की चीजें कर दी जा रही होती हैं। अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए भी अफोर्डेबल बन जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और भी गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें आता है सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आई थी और इसमें कुछ एसेंशियल आइटम्स की लिस्टिंग की गई है, जिससे कि इन आइटम पे कभी भी आप ज्यादा प्राइस नहीं कर सकते, इनकी प्राइस में कभी भी आप इन्फ्लेशन इन्फ्लेट करके नहीं ला सकते हैं। इट नीड टू इनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग एग्रीकल्चर सेक्टर कॉम्पिटिटिव। एग्रीकल्चर फूड स्टफ इंक्लूडिंग सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ओनियन एंड पोटैटो टू बी डीरेगुलेटेड। स्टॉक लिमिट इसकी इम्पोज की जा रही है
अंडर वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज लाइक नेचुरल कैलामिटीज, फेमाइन एंड सर्ज इन प्राइस. अदरवाइज इसकी स्टॉकिंग नहीं करनी है, इसको मार्केट में तुरंत लॉन्च कर देना होता है. नो सच स्टॉक लिमिट शैल अप्लाई टू प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स सब्जेक्ट टू देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और टू एनी एक्सपोर्टर सब्जेक्ट टू द एक्सपोर्ट डिमांड. और इसके लिए गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट करेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला हुआ है. तो काफी हद तक चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए और फार्मर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए, बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोजल लाया हुआ है. यह अमेंडमेंट क्या होगा यह हमें बाद में देखना होगा जब पार्लियामेंट हमारी रन करेगी. इसके अलावा देखिए एपीएमसी एक्ट में भी अब चेंजेस करने की बारी आ गई है, जहां पर फार्मर बाउंड होते हैं कि वो एपीएमसी के अंतर्गत में जो मंडी है केवल वहीं बेच सकते हैं. गवर्नमेंट ने अब उसको फ्री कर दिया और कहा है कि नाउ फार्मर विल हैव एडिक्वेट चॉइस टू सेल प्रोड्यूस एट अट्रैक्टिव प्राइसेस. इसमें बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड भी रहेगी और इसमें ई ट्रेडिंग भी रहेगी. तो अब फार्मर को, अब जो भी हमारे किसान है उनको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पर भी फ्री फ्लो में अपनी मार्केट में आप बेच सकते हैं चीजों को. इसके अलावा देखिए एक और अलग से स्कीम निकाली गई है जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें कहा गया है कि फार्मर लैक एन इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर प्रेडिक्टेबल प्राइस ऑफ क्रॉप एट द टाइम ऑफ सोइंग. और इसी के लिए तो एमएसपी निर्धारित की जाती है. तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन प्रोविजन ऑफ इनपुट एंड नो हाउ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हिंडर्ड, इट विल फैसिलिटेट अ लीगल फ्रेमवर्क विच विल क्रिएट टू इनेबल फार्मर फॉर एंगेजिंग विद प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर, लार्ज रिटेलर, एक्सपोर्टर इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. इसे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी प्राइवेट संस्था, जैसे मान लेते हैं हल्दीराम हो गई, अगर वो आती है और आलू के खेत में आकर के कहती है कि हम पहले ही आलू को खरीद लेंगे आपके प्रोड्यूस से पहले ही और इतना प्राइस देंगे, बाद में इनकेस अगर वो मुकरती है तो फिर ये लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर पहले से बना रहेगा और उसके हिसाब से हल्दीराम को अब कंपनसेशन देना पड़ जाएगा इफ इन केस अगर हल्दीराम फार्मर के साथ में अगर किसी प्रकार की धोखाधड़ी किए रहते हैं. तो इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जो लगातार, जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं लगातार वो फार्मर के साथ में एक बिजनेस कर लेते हैं लेकिन बाद में फार्मर को चीट कर देते हैं. और इसके लिए ही गवर्नमेंट ने कहा है कि हम फैसिलिटेट करेंगे एक लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर. रिस्क मिटिगेशन फॉर फार्मर, एश्योर्ड रिटर्न एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, These will be the benefits given to the farmer. तो इस तरीके से फार्मर को इस पूरे के पूरे तरीके से फायदा हो जा रहा होगा. ये थी हमारी पूरी की पूरी स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने 3 दिन में 20 लाख करोड़ को बताया है कि कैसे वो खर्च करेगी, किस किस सेक्टर में खर्च करेगी. तो हम लोगों ने पूरे प्रोविजन के बारे में देखा. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्कीम क्या है, कैसे है, इसका फायदा है, नुकसान है या क्या चीज है. यहां पर कुछ कमेंट करने के अगर बारे में बात करें तो देखिए ओवरऑल के बारे में बात करें तो देखिए ओवरऑल स्कीम काफी अच्छी है क्योंकि इन्होंने काफी कुछ प्रोग्रेस किया है, काफी कुछ जगहों पे फोकस किया हुआ है, मल्टीपल डायमेंशन में फोकस किया हुआ है. लेकिन अगेन देखिए कुछ इस स्कीम में कई सारी चीजें लैक की गई है. वन बाई वन करके अगर इनको डिस्कस करें, सबसे पहली प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इन्होंने केवल और केवल वन वे चीजें की हुई है. वन वे चीजें कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कहीं पर भी टाइम लिमिट या फिर कहीं पर भी इन्होंने रेगुलेशन की बात नहीं की है. इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने यह कहा है कि ये चीज हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आखिर में ये चीज होगी तो कितने समय में होगी और अगर नहीं होती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा. तो यहां पर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी तय नहीं की गई है. ऐसी स्कीम देखिए हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारी आ चुकी हैं, बहुत सारी फेल भी हो चुकी हैं, लेकिन इस पैंडेमिक के टाइम में हमें एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल स्कीम की जरूरत थी जो एक बंदे को अकाउंटेबल बनाए, एक बंदे को, एक सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल बनाए कि इस स्कीम को जनता तक पहुंचाना ही होगा. अदरवाइज हमारी इकोनॉमी जो पटरी से बाहर चली गई है वो पटरी से फिर ऑफ ट्रैक ही चली जाएगी पूरी तरीके से. इसके अलावा देखिए जितना भी आप स्कीम को देखेंगे वो केवल और केवल सर्फेशियल स्कीम दिख रही होंगी. सर्फेशियल कहने का मतलब है कहीं पर भी डिटेलिंग नहीं की गई है. जहां पर डिटेलिंग की जरूरत आई भी है वहां पर गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम इसे बाद में बताएंगे या मिनिस्ट्री यहां बाद में बताएगी. तो यहां पर केवल और केवल ब्रीफिंग की गई है, केवल और केवल सर्फेशियल प्लान बताया गया है कि हम क्या कुछ करेंगे. एक तरीके से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ रही है जहां पर यह कह रही है कि हम ये सब चीजें कर देंगे और इकोनॉमी को पटरी पर लेकर के आएंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इनका लैक ऑफ प्लानिंग दिखेगी. यहां पर पूरे सिस्टम में लैक ऑफ प्लानिंग दिखेगी, कहीं पर भी ये प्लान्ड तरीके से निकल करके नहीं आए हैं.
इनफैक्ट अगर स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसके ऑब्जेक्टिव तो काफी अच्छे हैं. द स्कीम इज वेरी गुड इन इट्स ऑब्जेक्टिव बट लैक विजन. इनके पास में कोई विजन नहीं है, इनका तरीका नहीं है किस तरीके से हमें करना है. नंबर थ्री, आज का टाइम है जहां पर ऑडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी सोशल ऑडिटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ने कहीं पर भी ऑडिटिंग के बारे में नहीं बात किया और ना ही सोशल ऑडिटिंग को फोकस किया है, जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए था. काफी अच्छी और काफी जरूरी चीज है. बाकी देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास बेसिकली सोसाइटी में तीन क्लास होते हैं. एक होती है लोअर क्लास, दूसरी होती है मिडिल क्लास और तीसरी होती है हायर क्लास के लिए. स्कीम को देखेंगे तो स्कीम जनरली लोअर और मिडिल क्लास की ओर ही घूम रही है, क्योंकि यहीं पर आपको एमएसएमई सेक्टर मिल जाएगा मिडिल क्लास में, और लोअर क्लास में आपको फार्मर मिल जाएंगे और एनिमल हस्बेंड्री करने वाले लोग मिल जाएंगे. लेकिन इस स्कीम में हायर क्लास को प्योरली इग्नोर किया गया है. यहां पर कहीं पर भी इनके बारे में बात नहीं किया गया है, जबकि इनको भी फोकस करना था, एक दो पॉइंट इनको भी देना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने में जो हाथ होता है वो मेनली हायर क्लास के लोगों का ही होता है, जबकि यहां पर इनके बारे में बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई फोकस नहीं किया गया. नॉट अ सिंगल पॉइंट हैव बीन ड्रॉन ऑन दिस हायर क्लास. इसके अलावा देखिए, यहां पर कई सारी ऐसी चीजों के बारे में बात किया गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताती है. इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कभी भी तुरंत हाथों हाथ चुटकी बजा करके नहीं डेवलप होता है, इट विल टेक सर्टेन टाइम. इस टाइम के बारे में कहीं पर भी कुछ भी बताया नहीं गया है कि कितने समय में क्या डेवलप हो जाएगी और हम लोग कैसे उसे डेवलप करेंगे. बिटवीन दिस टाइम स्पैन, या कह सकते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होता है तब तक गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा, ये भी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है. तो अगेन यहां पर लैक ऑफ प्लानिंग दिख रही होती है. इंप्लीमेंटेशन वर्क में मैं कहूंगा कि थोड़ी सी यहां पर अगेन प्लानिंग यहां पर प्रॉब्लम है. इंप्लीमेंटेशन अगर मान लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पर सिस्टम थ्री टीयर गवर्नमेंट से चल रही होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट. सिमिलरली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे तो हमारे तीन लेवल पे बैंकिंग भी काम कर रही होती है. एक काम कर रही होती है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टॉप लेवल पे होते हैं, फिर उसके बाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक्स होते हैं, तीसरे लेवल पे होती है जो आरआरबीज होती है या एमएफआईज हो जाती हैं जो रूरल सेक्टर में काम कर रही होती हैं. तो जब हम लोग बिजनेस को अगर हम लोग गवर्नमेंट थ्री टीयर में चला सकते हैं, अगर हम लोग बैंक थ्री टीयर में चला सकते हैं, तो क्या हम लोग बिजनेस थ्री टीयर सिस्टम पे नहीं चला सकते हैं? ये काफी अच्छा एक स्टेप रहेगा. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो देखिए, स्किल इंडिया चलाना काफी अच्छा चीज है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर जरूरत बनती है तो अपना मोटरसाइकिल भी तैयार कर लेता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो अपना हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लेता है. उसको स्किल करने की जरूरत नहीं होती है, वो बस देख देख करके चीजों को समझ जाता है. हमारे यहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग काफी ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंटेशन वर्क की, इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट किस तरीके से कर रही है. जो नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगा, सेवेंथ चीज मैं ये बोलूंगा कि देखिए, हमारे यहां पर जो इकोनॉमी है इस समय अगर क्रिपल डाउन करके रखी है तो हमें एक इमीडिएट मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर एंड लॉन्ग टर्म मेजर, बेसिकली तीन तरीके से डिवीजन करके हमें तब ये स्कीम निकालनी चाहिए थी. हमें बताना चाहिए था इमीडिएट कॉज क्या होगा, इमीडिएट बेनिफिट क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या मिलेगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा क्या मिलेगा. लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी यहां पर क्लियर नहीं किया. जो अगेन यहां पर विजन है इनका, वो अगेन यहां पर कंप्लीटली लैकिंग है, वो दिख रहा है. इसके अलावा अगर आप सारी स्कीम पर एक नजर मारेंगे तो कहीं पर भी सारे स्कीम में कोई भी ऐसी नई स्कीम नहीं है. सारी की सारी ऐसी स्कीम है, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड हो, चाहे संपदा स्कीम हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, कहीं पर भी आपको नई स्कीम नहीं मिलेगी. ये सारे के सारे पुरानी स्कीम है, जो कभी पेंडिंग थे आज वो क्लियर कर दिए गए हैं. तो मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, इट लुक्स लाइक लॉन्ग पेंडिंग डिसीजंस क्लियर्ड इन अ वाइल, एक झटके में सारे के सारे क्लियर कर दिए गए हैं. तो ये कुछ मेरी तरफ से कमेंट है, जो आप हो सकता है कि कुछ चीजों पे आप एग्री करते हो और कुछ चीजों पे नहीं एग्री करते हो. अगर आपको कोई डाउट होता है या अगर आपको कोई कमेंट करना है, देन यू कैन ऑब्वियसली कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच इज बीइंग गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां से आप ज्वाइन करके अपने डाउट पूछ सकते हैं. हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ऑब्वियसली हम तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.